नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल टेक DIY पे। आज हम प्लेग्राउंड सेशन में OpenAPI को ही कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम किस तरह से OpenAPI से जनरेट कर सकते हैं कोड, और वहाँ पे हमने सिर्फ एक एंड पॉइंट कवर किया था। आज हम बाकी के सारे क्रड ऑपरेशंस वाले एंड पॉइंट कवर करेंगे, और इस वीडियो के लिए बैकेंड में हमने MongoDB का उपयोग किया है। और आपकी सुविधा के लिए यह वीडियो तीन भागों में विभाजित है। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए। चलिए आरंभ करते हैं। तो ये हमारा पिछले बार वाले प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है फाइल, और ये pom.xml है। अभी हमको pom.xml में MongoDB वाला जो डिपेंडेंसी वो हम ऐड करने जा रहे हैं, वो है स्प्रिंग बूट स्टार्टर डेटा MongoDB। तो वो हम यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, और वो डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड करने के बाद हर बार की तरह हम Maven को रिफ्रेश करेंगे IntelliJ में। आप चाहें जो एडिटर आप यूज़ करें, ये तो कॉमन स्टेप्स होती हैं जो अपने को सब जगह करनी होती है। तो यही हम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को MongoDB को ऐड किया है यहाँ पे, और इसके बाद Maven रिफ्रेश करेंगे। और ये जो YAML फाइल है, ये हमारी प्रीवियस वाला प्रोजेक्ट था, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं जैसा मैंने पहले भी बताया। तो वो आप सैम्पल आपको मिल जाएगा, सैम्पल मैं शेयर करूँगा वीडियो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सैम्पल होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पे DB का पोर्ट और DB का नेम हम लोग देंगे, वही हम यहाँ पे दे रहे हैं, सारी कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं एक एक करके। हमने एक प्रोजेक्ट किया था स्प्रिंग बूट विथ MongoDB, वहीं से कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग ले रहे हैं। तो और आपकी सुविधा के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन मोंगो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हम लोग शेयर्ड फोल्डर्स में आपको शेयर करेंगे, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट अपडेट हो रहा है Maven डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद, और ये हमारा प्रीवियस एंड पॉइंट था, इसमें कि केवल एक फाइंड बाय टाइटल हमने ऐड किया था, तो वही फाइंड ब्लॉक बाय टाइटल ऐड किया था, वही यहाँ पे हो रहा है। और ये इस तरह से हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि क्या होता है कि जब हम लोग OpenAPI जनरेटर का यूज़ करते हैं, तो वो हमको कंट्रोलर लेयर कम्प्लीटली हमको जनरेट करके देता है, और एक हैंडलर हमको देता है जो कि डेलीगेट में रहता है। तो ये जो ये ब्लॉग API डेलीगेट है, ये हमको कोड जनरेटर ने जनरेट करके दिया है, और हमको इसके आगे का कोड हमको करना पड़ता है, विच इज़ सर्विस लेयर, और उसके बाद का सारा बिजनेस लॉजिक वगैरह जो हमको लिखना है वो सर्विस लेयर में और आगे के लेयर्स में हम लोग लिखते हैं। नॉर्मली किसी भी प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि सर्विस लेयर के बाद हम लोग जाते हैं DAO या DTO लेयर में, जहाँ पे हमारा डेटाबेस से रिलेटेड काम होता है। तो क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा मोंगो लिया है, स्प्रिंग डेटा मोंगो डिपेंडेंसी हमने ऐड की थी, तो यहाँ पे हमको हम रिपोजिटरी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने डेटा JPA यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा कि ये जो रिपोजिटरी इंटरफेस होता है, इसका यूज़ करके हम बड़ी आसानी से अपना SQL कोड जनरेट कर सकते हैं, अपना जो API है वो उसको पूरा हैंडल कर लेगा। तो हम सिंपली, और कई सारे मेथड्स यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड रहते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको एक्सटेंड करना है, अपने इंटर ब्लॉग रिपोजिटरी को लिखना है और उसको एक्सटेंड करना है मोंगो रिपोजिटरी को। बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और इसी वजह से हमारा जो डिपेंडेंसी है वो ऐड हुआ था, बट फिर भी हमारी जो क्लास है उसकी जो इंटरनल क्लास है वो वहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो रही थी प्रोजेक्ट में। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था दोस्तों, कि हमने क्या किया था
कि जो हमने अपना एडिशन किया था, ये जो डिपेंडेंसी ऐड की थी, वो हमने गलती से हमने जनरेटेड कोड की जो pom.xml है उसमें कर दी थी। तो उसकी बजाय अभी हम इसको प्रॉपरली अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर जो पॉम रहता है सोर्स SRC के बाहर, उस पर्टिकुलर में ही हमको, उस पर्टिकुलर पॉम में ही हमको ऐड करना था, तो वो हमने ऐड किया है। ऐड करने के बाद इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद अभी हम बाकी के सारे एंड पॉइंट्स लिखने जाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपनी सर्विस लेयर वगैरह डेलीगेट और उसके आगे का कोड अब हमको करना है। तो हमारे टेस्ट केसेस वगैरह जो भी कुछ अब हम लिखेंगे वो कंट्रोलर तक नहीं लिखेंगे बल्कि डेलीगेट के लिए लिखेंगे, डेलीगेट और उसके आगे की लेयर्स के लिए लिखेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा गेट ब्लॉक बाय टाइटल जो फर्स्ट हमारा एंड पॉइंट था वो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं। और स्प्रिंग को एक बार सर्वर को बाउंस करके देखते हैं कि हमारा कनेक्ट होता है DB से या नहीं। तो वही हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे। पहले हमने अभी पिछली बार जो हमने वीडियो दिया था उसमें हमने हार्ड कोडेड डेटा दिया था, तो अभी हम उस हार्ड कोडेड डेटा की जगह MongoDB से डेटा रीड करेंगे और MongoDB में ही डेटा राइट करेंगे। वहाँ पे ब्लॉक टेबल बनना चाहिए और उसके अंदर से हम लोग सारा कुछ उठाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का है काम। सर्वर स्टार्ट हो गया है और ये हमारा MongoDB कंपस एप्लीकेशन है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं MongoDB की ऑफिशियल साइट से। और ये एक्चुअली जैसे SQL के लिए SQL डेवलपर रहता है, उसी तरह से MongoDB के लिए भी ये एक तरह से हमारा इंटरफेस है जहाँ पे हम लोग सीधा MongoDB डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं। तो ये है, अभी हम कोशिश कर रहे हैं हम कुछ इंसर्ट करने की, जो हमारा DB है जिस नाम से हमने DB दिया है उसमें। और दोस्तों समय को कम समय के में इस काम को करने के लिए हमने इसमें कॉन्फ़िगरेशन MongoDB कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो थी, कॉन्फ़िगरेशन क्लास थी, वो हमने इनिशियली नहीं लिखी थी। तो उसी वजह से क्या हुआ कि जो अभी रन किया है सर्वर, उसके बाद जो डेटा गया है वो सारा डेटा गया है हमारा टेस्ट में। जो डिफ़ॉल्ट MongoDB में जो डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है वो टेस्ट नाम से बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डिफाइन किया हुआ डेटाबेस है वो MongoDB ले और उसके हिसाब से बनाए, तो उसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल हम लोग शेयर करेंगे उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल का आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली वहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टीज़ में हम पोर्ट और होस्ट नेम देते हैं, वो सेम पोर्ट और होस्ट नेम को हम लोग उस क्लास फाइल में यूज़ करके और अपने एप्लीकेशन में इंजेक्ट करवाते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन उन पोर्ट और उस DB नेम को रीड करके और वहाँ से कनेक्ट करेगा। वो कॉन्फ़िगरेशन आप वहाँ देख सकते हैं शेयर्ड लोकेशन पे। तो और हमने यहाँ पे लॉम्बोक यूज़ किया था, तो लॉम्बोक का SLF4j एनोटेशन हमने यूज़ किया और उसकी वजह से हमें सीधा सीधा log.info अपने कोड में ऐड करने को मिल गया। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं, टाइटल देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रीवियस ब्लॉग टाइटल से सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नल आ रहा है, नल क्यों आ रहा है वो हम देखेंगे। यहाँ पे है ब्लॉग टाइटल ID, जो ब्लॉग मॉडल है उसके अंदर हमने 3 फील्ड्स लिए थे, टाइटल कंटेंट एंड क्रिएटेड, टाइटल कंटेंट ID एंड क्रिएटेड डेट। तो अभी हम टाइटल को सर्च करेंगे, तो टाइटल है ब्लॉग टाइटल। और अभी हम सर्विस क्लास लिखने जा रहे हैं क्योंकि हमने सोचा कि क्यों ना हम क्रिएट भी एक क्रिएट मेथड भी लिख ही लेते हैं, ताकि हमारा जो इंसर्शन का काम है वो भी हम अब अपनी ही एप्लीकेशन से करें। कंपस को सिर्फ हम लोग देखने के लिए यूज़ करेंगे कि DB में क्या कैसे जा रहा है नहीं जा रहा है, उस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। अभी हम अपना सर्विस लेयर में सर्विस लेयर में रिपोजिटरी को इंजेक्ट करने जा रहे हैं। और इस बार हमने ऑटो वायरिंग जो किया है वो नॉर्मल ऑटो वायरिंग, सेटर बेस्ड ऑटो वायरिंग नहीं है,
उसकी जगह हमने अपने जो रिपोजिटरी उसको फाइनल बना दिया है, और जो फाइनल क्लास के जो फाइनल एट्रीब्यूट्स रहते हैं या फाइनल प्रॉपर्टीज़ रहती है, वो जब हम ऑल आर कंस्ट्रक्टर जो कि लोम्बोक का है उसको यूज़ करते हैं, तो वो सारी इनिशियलाइज होती है कंस्ट्रक्टर के अंदर, ठीक है। और वो कंस्ट्रक्टर का काम करता है अपना, लोम्बोक प्रोजेक्ट है वो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करके हमको दे देगा, यानी बीन इंजेक्शन का काम है वो लोम्बोक करके देगा हमको, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ है, ब्लॉग रिपोजिटरी हमने दे दिया है, और अभी हम जो सर्विस में जो भी हमारे जितने भी मेथड्स थे वो सारे मेथड्स हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं। ब्लॉग सर्विस में हमने फाइंड बाय टाइटल किया था, फाइंड बाय आईडी है, क्रिएट है, डिलीट है, अपडेट है, तो वही सारे एंड पॉइंट्स हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं। ब्लॉग बाय टाइटल मल्टीपल, एक जैसे टाइटल के मल्टीपल ब्लॉग्स हो सकते हैं, तो वही हमने यहाँ पे भी किया है। अभी फ़िलहाल के लिए हम सभी मेथड्स को नल रिटर्न टाइप नल रखेंगे, जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे उसके अलावा बाकी सारों को नल रखेंगे। तो वही जैसे डिलीट का अगर करना है तो सिंपल एंड पॉइंट है डिलीट, ये भी अपने को रिपोजिटरी देता है बना के। हम डिलीट बाय आईडी का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें आईडी हम पास करेंगे एज ए लॉन्ग, और वही आईडी हम यहाँ पे आगे पास कर देंगे रिपोजिटरी को, और रिपोजिटरी उसको डिलीट मार देगा, ठीक है। और सेम क्रिएट के साथ है, तो क्रिएट में हम पूरा का पूरा ब्लॉग ऑब्जेक्ट देंगे। अभी यहाँ पे देखिए, क्रिएट और अपडेट दोनों के लिए हमने पूरा ब्लॉग ऑब्जेक्ट पास करें, तो क्या होगा कि हमारा सिस्टम इस तरह से बिहेव करना चाहिए कि दोनों के लिए सेम एंड पॉइंट है, बट HTTP मेथड जो होता है वो डिफरेंट है। अगर पोस्ट मेथड है तो हम अब क्रिएट कर रहे हैं, अगर पुट मेथड है तो हम अपडेट कर रहे हैं। तो हमारा सिस्टम इंटेलिजेंट रहेगा, वो इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेगा कि अगर ब्लॉग ऑब्जेक्ट, मतलब दोनों ही केस में हम लोग ब्लॉग ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट बॉडी में भेजेंगे, ठीक है, और अगर वो ब्लॉग ऑब्जेक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है DB में तो वो उसको अपडेट करेगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो उसको क्रिएट करेगा। तो वही चीज़ हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। और अभी हम यहाँ पे अपने हमने लिखा है, और अभी हम, अच्छा ठीक है, अभी हम पूरा अपना जो स्कीमा है, डेफिनेशन है, वो करने वाले हैं, और उसके लिए हम लोग मदद लेंगे editor.swagger.io का। वहाँ पे पेट स्टोर नाम से एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जो कि सैम्पल प्रोजेक्ट है, मतलब वहाँ पे सारे एंड पॉइंट्स किस तरह से डिफाइन किए वो करने होते हैं वो वहाँ पे बताया हुआ है, तो हम लोग उसका रेफरेंस लेके आगे अपना काम कर सकते हैं। तो हम वही कर रहे हैं, हम अपने क्रिएट और अपडेट और डिलीट इन सभी, और क्रिएट अपडेट डिलीट क्रड ऑपरेशंस के लिए वहाँ से एंड पॉइंट्स लिखेंगे, और उसी की तर्ज पे हम अपना जो ब्लॉग वाला एप्लीकेशन है, ब्लॉग वाला कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर हम लोग उसको कस्टमाइज़ कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा पाथ्स के अंदर अभी तक हमने सिर्फ slash blog टाइटल दिया हुआ था, और अब हम उसी के अंदर क्योंकि लिस्ट चाहिए तो अभी हम उसको अपडेट कर रहे हैं, और हमारा जो रेफरेंस है $ref जो है वो बताता है कि स्कीमा में हम किस ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहे हैं, तो वो रेफरेंस यहाँ पे इस तरह से ऐड किया जाता है जैसा आप लाइन नंबर 28 में देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही होगा, और फिर इस तरह से हमने पहला पाथ ऐड किया था। अभी बाकी के पाथ भी हम ऐड करते हैं, जैसा मैंने पहले कहा था हमारा अगला पाथ होगा ब्लॉग /blog, जो कि पोस्ट टाइप का मेथड टाइप पोस्ट रहेगा, ऑपरेशन आईडी हम क्रिएट देंगे, और उसी के साथ उसमें हम टाइप पैरामीटर में, मतलब उसका जो पैरामीटर है, जो हम इनपुट पैरामीटर हम पास करने जा रहे हैं, इनपुट पैरामीटर रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, और रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की बॉडी में हम लोग अपना ब्लॉग ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और ये एप्लीकेशन जेसन रहेगा, तो वही सारी कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे YAML फाइल में करने जा रहे हैं इस पाथ के लिए, /blog पोस्ट पाथ के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हम नेम में देंगे आईडी इन बॉडी, नेम में आई थिंक बॉडी जाएगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि मतलब रिक्वेस्ट के किस भाग में
हमारा जो पैरामीटर हम भेजने वाले हैं वो किस तरह से भेजने वाले हैं, वही सब यहाँ पर डिफाइन किया कर रहे हैं पैरामीटर्स टैग के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने उसको कॉपी किया है, तो आप देख सकते हैं हमने टाइप दिया है हमने। ओके, एक बार हम बिल्ड करेंगे जो हमने अभी ऐड किया था क्रिएट, उसको हम बिल्ड कर रहे हैं। हमेशा याद रखिए, जब भी हम यामल फाइल को अपडेट करेंगे कोई नया पाथ वगैरह कुछ भी ऐड करने के बाद, तो हमको MVN क्लीन इंस्टॉल रन करना पड़ेगा, ठीक है। और MVN क्लीन इंस्टॉल रन करने के बाद हमको कुछ एरर्स आई हैं, जो कि क्योंकि हमने स्वैगर से कॉपी किया है, तो एडिटर डॉट स्वैगर से कॉपी किया है, तो कुछ ना कुछ इंडेंटेशन प्रॉब्लम आती ही है। तो इसको रिजॉल्व करने का मैं आपको एक इजी तरीका बताऊंगा। कुछ शॉर्टकट्स होते हैं इंटेलिजे में, उसके थ्रू आप काफ़ी इजीली कॉलम एडिटिंग मोड में जाके आप इस तरह से उसको एडिट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अभी अवेलेबल हो रहे हैं, तो आप बैक एंड फोर्थ करके भी देख सकते हैं क्या शॉर्टकट्स थे, ठीक है। तो वो इंडेंटेशंस करेक्ट करके अभी हम फिर से इसको बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर सब कुछ सही होता है, मतलब इंडेंटेशन वगैरह एवरीथिंग इज़ फाइन, तो आप उसको यहाँ पे बिल्ड करके भी देख सकते हैं। और एक और सजेशन है, अगर आप बिल्ड नहीं करना चाहते और पहले कंफर्म हो लेना चाहते हैं कि आपका जो मतलब आपका जो एस्कीमा है वो प्रॉपर है या नहीं है, तो आप उसको पूरे को कॉपी करके स्वैगर एडिटर में पेस्ट कर देंगे, तो स्वैगर उस एडिटर जो है उसका जो फाइनल यूआई है वो बना के दे देगा आपके राइट साइड में, ठीक है। लेफ्ट में कंटेंट हम जो कॉपी करेंगे वो होगा, और राइट में जो होगा वो उसका पूरा जो यूआई जनरेट होना है वो वहाँ पे दिखा देगा। अभी हमने वहाँ से लिया था, कॉपी किया था, और अभी हम उसके रेस्पॉन्सेज वगैरह सारे सेट करेंगे। क्योंकि ये क्रिएट है तो रेस्पॉन्स में हम फिलहाल कुछ नहीं दे रहे, सिंपल 200 स्टेटस दे देंगे और 400 बैड रिक्वेस्ट दे देंगे। तो वही हो रहा है, अभी फिर से देखते हैं, फिर से कुछ इंडेंटेशन का इश्यू आया होगा। हाँ, तो वही इंडेंटेशन हम करेक्ट कर रहे हैं। स्लैश ब्लॉक के अंदर हमको दो मिलेंगे, अभी हमने पोस्ट मेथड लिखा है, मतलब कि क्रिएट मेथड लिखा है, और ठीक है, क्रिएट मेथड लिखा है, नेम हमने बॉडी दिया है, इन बॉडी दिया है, इन मतलब किसके अंदर जाएगा, और बॉडी पैरामीटर है तो बॉडी उसका नाम दे देंगे। स्कीमा हमने डिफाइन किया था अंडर कंपोनेंट स्लैश स्कीमास स्लैश ब्लॉग, तो वो हमने रेफरेंस में दे दिया है। और अभी हम इसको, ये हमारे ओपन एपीआई के सारे टैग्स हैं, इनको क्लोज करके इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं यहीं पे, तो ये हमको दिखा देगा। पोस्ट हमने लिखा, अभी हमने पे पुट लिखा है। हाँ, ये अगर आप कहीं पे फंसते हैं तो आप इस तरह से स्वैगर का ही डॉक्यूमेंटेशन है उसमें जाके आप देख सकते हैं कि क्या डेटा टाइप आपको लेना चाहिए, किस फील्ड में, मतलब किस केस में क्या डेटा टाइप लेना है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं, और किस तरह से पूरा डिफाइन करना है वो भी हम वहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने वहाँ से देख के ये किया है, और अभी हमने उसको बिल्ड किया, बिल्ड सक्सेसफुल हो गया है। और बिल्ड सक्सेसफुल होने के बाद आप अगर आउटलाइन देखेंगे इस क्लास की, तो उस क्लास की आउटलाइन में आपको अपना जो नया मेथड है क्रिएट मेथड वो यहाँ पे दिख जाएगा। क्रिएट मेथड नहीं दिख रहा है, ओके। क्रिएट मेथड के नाम से नहीं बनाए, बल्कि ब्लॉग पोस्ट के नाम से बनाए। तो क्या होता है दोस्तों, अगर हम किसी जैसे हमने कॉपी पेस्ट किया, अगर हम भूल गए ऑपरेशन आईडी देना, ऑपरेशन आईडी जो यामल में एट्रीब्यूट रहता है, अगर हमने वो नहीं दिया, तो उस केस में ये क्या करता है, ओपन एपीआई पाथ उठाता है, पाथ का नाम उठाता है, और वहाँ से और अपना मेथड का नाम उठा के दोनों को मिला के जोड़ के एक नाम बना देता है। जैसे हमारे केस में इसने ब्लॉग पोस्ट नाम बना दिया, ठीक है। तो वही यहाँ पे हुआ है, और अभी हम यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं,
डेलीगेट ब्लॉग एपीआई डेलीगेट के मेथड्स को ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। क्रिएट मेथड को भी ओवरराइड, मतलब ब्लॉग पोस्ट मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, तो वही हमने किया है वहाँ पे। सिंपल, ज़्यादा कुछ कोड नहीं है, सीधा रिपोजिटरी को कॉल किया है और वहाँ से, मतलब अपने सर्विस लेयर को कॉल किया है और सर्विस लेयर से रिपोजिटरी को कॉल कर दिया है और सेव में पास कर दिया है ब्लॉग ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ये हमारा एक कलेक्शन हमने बनाया, सिंपल कलेक्शन इस पर्टिकुलर सेशन को टेस्ट करने के लिए। तो इसमें हमने चार सिंपल क्रड ऑपरेशंस रखे हैं। यहाँ हमने पोस्टमैन यूज़ किया है, आप चाहें तो आप स्वैगर का भी यूज़, सीधे ही स्वैगर का यूज़ कर सकते हैं, वहीं से हम अपनी रिक्वेस्ट भेज के उसको टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे जो हो रहा है वो देख लेते हैं। तो हमने एक आईडी दिया है वन, और हाँ टाइटल भी हमने दिया है टारगेट 100K subs। सो टाइटल दिया 100K subs, कंटेंट है लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड इसी के साथ क्रिएटेड डेट हमने नया ऐड किया था फील्ड, तो उसमें हमने क्रिएटेड डेट में आज की डेट दे दी है। और अब हम इसको हिट करेंगे, यहाँ से पोस्टमैन से हमने हिट किया है, देखते हैं क्या हुआ है, डेटा गया है नहीं गया है, गया तो क्या गया है वो सारा कुछ देखते हैं। अच्छा, हमारा टाइटल जो है वो नल गया है, क्योंकि क्योंकि ब्लॉग टाइटल होना चाहिए था, हमने टाइटल ही दे दिया था रिक्वेस्ट में, तो अभी हमने ब्लॉग टाइटल दिया पूरा, अभी देखते हैं क्या होता है। तो अभी हमारा जो, हाँ तो अभी आप देख सकते हैं हमने टारगेट दिया, मतलब जो टाइटल दिया था वो दिया, तो यहाँ पे क्रिएट हो गया है, नया क्रिएट हुआ है। और अभी आप देखेंगे टेस्ट डीबी में हमको मिलना चाहिए, टेस्ट डीबी में ब्लॉग मिलना चाहिए, अभी अभी देखेंगे तो हाँ मिलेगा। और ये जो है फाइंड बाय टाइटल, क्योंकि रिपोजिटरी जो है वो फाइंड बाय और फिर उसके बाद कॉलम नेम, इस तरह से मेथड्स बनाता है, ठीक है। अगर अपने को आईडी चाहिए तो हम सीधा फाइंड बाय आईडी से कर सकते हैं, लेकिन अपने को यहाँ पे टाइटल चाहिए था तो फाइंड बाय टाइटल हमने लिया। और इसी के साथ अभी हम फाइनल डेमो देख पा रहे हैं किस तरह से एडिट करना है, किस तरह से अपडेट करना है, अभी अपडेट का पार्ट चल रहा है। तो हमारा जो आईडी था 1212, उसी में हम थैंक्स फॉर फर्स्ट 100K subs, यस। तो दोस्तों, आपकी सराहना और आपके आपने हमारे प्रयासों को सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इन्हीं इसी सपोर्ट की वजह से आज हम 100K subs क्रॉस कर पाए हैं काफ़ी कम समय में। आशा है आप हमारे साथ बने रहेंगे। और ये देखिए, अभी हम अब सारे अपने जो अब क्रड ऑपरेशंस के सारे जो ऑपरेशंस है वो हम कर पा रहे हैं। और ये हमारा कोड है, ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैं लिंक शेयर करूंगा, तो वहां से आप इस कोड को देख सकते हैं। तो ये हमने पोस्ट किया, ये हमारा पुट मेथड है, और इसके बाद पोस्ट हो गया, पुट हो गया, ये दोनों एक ही पाथ में हैं, इसीलिए एक ही मतलब रूट के अंदर दिए हुए हैं। और ये हमारा डिलीट हो गया, और ये हमारा कंपोनेंट का जो स्ट्रक्चर था वो हो गया। तो ये एक बहुत ही सिंपल YAML फाइल मैंने आपको बना के दी है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपने प्रोजेक्ट आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से और जनरेट कर सकते हैं प्रोजेक्ट कोड। तो वही हमने यहाँ पे किया है। अब क्या करेंगे, हाँ तो ये आप देख सकते हैं कोड पूरा, चारों मेथड्स हमारी यहाँ पे अवेलेबल हैं, लॉग बाय टाइटल, डिलीट ब्लॉग, और क्या क्या उसमें आइडियली क्या क्या रिटर्न होता है वो सब हमने यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार हम इसमें डीबी में भी देख लेते हैं, तो कंपस डीबी में हम देख पा रहे हैं क्या अपडेट्स हुई है, तो वही सब हम देख पा रहे हैं, ठीक है। और ये चारों हमारे कलेक्शन में चारों जो मेथड्स हैं वो यहाँ डिफाइन किए हैं, ठीक है। चलो, ये हो गया है, और इसी के साथ डेटा हमारा डेटाबेस में जा रहा है, हम उसको रीड कर पा रहे हैं, अभी उसको अपडेट करते हैं। हमने अपना मैसेज वहाँ दे दिया है, आप पढ़ सकते हैं मैसेज को।
आशा है आपका सपोर्ट हमें ऐसे ही मिलता रहेगा, तो हम और अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे और नई नई चीज़ें हम खुद भी सीखेंगे और आपको भी सिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमें पहले 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचाने के लिए हृदय से धन्यवाद। टारगेट 100 के हमारा टारगेट है। आशा है आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी सूचनाओं को हिंदी में बोले तो नोटिफिकेशंस को पाने के लिए घंटी अवश्य दबाएं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें, जीवन का भरपूर आनंद लें। जय हिंद, जय भारत।